हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज प्रभाव। मैं रिंकू सिंह। आज हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 9 जिसका टाइटल है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आपने सल्तनत कालीन आर्किटेक्चर पढ़ा। सल्तनत मतलब 1206 से लेकर 1526 तक, जब भारत पर तुर्क शासकों ने शासन किया था, खिलजियों ने किया था, तुगलकों ने किया था, उस समय का आपने किया। फिर जब मुगल पीरियड था उस समय का आपने स्थापत्य कला ये सब पढ़ा। अब इस सेशन में आप पढ़ोगे कि उस समय पर जो आसपास के जो प्रांत थे, उड़ीसा, बंगाल, पहाड़ वाले जो क्षेत्र थे, वहाँ पे कौन कौन सी कलाओं का विकास हो रहा था, उनके बारे में पढ़ोगे। क्षेत्रीय, जैसे ही क्षेत्रीय शब्द आता है वैसे ही आपको लगता है आज जहाँ पर हो उसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं। फिर हर समय हर वक्त, चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, तब मध्यकाल की बात करें, तब अभी की बात करें, तो हमेशा एक कोई ना कोई कुछ शहर होते हैं जो केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय अटेंशन का सेंटर होते हैं वो, ठीक है। तो जैसे अभी दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ये सब बड़े बड़े महानगर जो जिनका मतलब जहाँ पे हर जगह के लोग हैं। पर इसके अलावा भी अभी भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वहाँ के अपना कल्चर है। तो राजस्थान का अपना कल्चर है ना, हरियाणा का अपना कल्चर है, आपका गुजरातियों का अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का भी अपना कल्चर है। हाँ, उसमें एक बम्बई जो शहर है वो आर्थिक राजधानी हो चुकी है, तो वो एक महानगर है, तो वहाँ का मतलब हर तरह के कल्चर के लोग हैं। पर हर शहर का अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, तो इनको ही क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कही गई। कुछ जो जैसे दिल्ली में इनका शासन रहा हमेशा मुगलों का, सल्तनत के लोगों का, तो दिल्ली की अपनी एक संस्कृति, ग्लोबलाइज्ड टाइप्स। पर उसी समय बंगाल में क्या हो रहा था, तो उसको ही क्षेत्रीय से मतलब उस प्रांत विशेष, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति का आभास हमें होता है। ये हमारे टीम के कुछ लोग हैं और ये हम सब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं रोज कहती हूँ साथ में आप भी मेहनत करिए और हम और आप मिलके इस एग्जाम को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में, ये हम सारे स्पेशल क्लासेज के मतलब जो एडुकेटर्स जो स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं और वही एडुकेटर्स जिनका कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, और इनके कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक नॉमिनल फी, जो कि बहुत ही कम कहा जाएगा, बहुत नॉमिनल कहा जाएगा कंपेरेटिवली अदर्स, तो उसका है पूरे साल का। वैसे तो बहुत सारे प्लान्स हैं पर अगर आप पूरे साल का लेते हो, वन ईयर का, जो कि आपके लिए रिकमेंडेबल है, इसका 40,000 फी है। उस पर भी मेरा कोड आप यूज करते हैं तो मेरे कोड को यूज करते ही ये हो जाता है आपका 36,000 में सिर्फ। टू ईयर का भी एक प्लान है, बिगनर्स के लिए अच्छा है, उस पर भी मेरा कोड यूज करते हैं तो 64,000 की जगह जैसे रिंकू लाइव कोड यूज करते हैं ये हो जाता है 57,600। तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। तो जैसा कि मैंने कहा, हम लोग क्लास 7th कर रहे हैं अभी, और क्लास 7th में ठीक है, तो क्लास 7th में हम लोग चैप्टर हम लोग 8 कर रहेंगे आज। चैप्टर 8 तो हमने कल किया था, तो चैप्टर 9 में जो चैप्टर 9 का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो देखो, एक आपका पहला जो हेडिंग है वो है चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास, चेरों के बारे में आप पढ़ चुके हो, चेर कहां पर थे, केरल में। तो केरल में मलयालम भाषा चलता है, इसका विकास हुआ कैसे। महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में था, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है महोदयपुरम। वहां पर 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ हमें मिलता है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय है। मतलब उस किताब के अंदर विषय क्या है, तो व्याकरण है और काव्य शास्त्र है। आप इस किताब को याद रखना, आपसे यही पूछा जा सकता है कि लीला तिलकम में क्या, किस विषय पर ये किताब लिखी गई है, किस विषय पर ये ग्रंथ लिखा गया है।
तो ये जो लीला तिलकम बुक है ये मड़ी प्रवालम शैली में लिखा गया है, मड़ी प्रवालम शैली में। मड़ी प्रवालम शैली क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा ये दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ के प्रयोग को मड़ी प्रवालम शैली कहा जाता है। जैसे हीरा और मूंगा को एक साथ मिला के कोई वो बना लो आभूषण, उसी तरह से ये मड़ी प्रवालम शैली में संस्कृत के साथ जब क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया तो उसको कहा गया मड़ी प्रवालम शैली। तो लीला तिलकम इसी शैली में लिखा गया है, जिसका ये मड़ी प्रवालम शैली जिस भाषा का विकास हुआ यहां पर मलयालम राज्य यानी केरल में। दूसरा है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय का उदय कैसे होता है। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है ना वो काष्ठ की बनती है और इसे आज तक स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा यह बनाया जाता है। परंपरा है, रिवाज है कि स्थानीय जनजाति ही बनाएगी। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः स्थानीय देवता थे जिन्हें बाद में आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय जनजातियों के देवता थे जिन्हें विष्णु का रूप मान लिया गया था। तो फिर जब इनका रूप ये प्रचलित हुआ तो गंग वंश का राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अनंत वर्मन ने कराया। इन्हीं के बाद 1230 ईस्वी में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम को समर्पित कर दिया और खुद को उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया और अपने सिंहासन पर खुद न बैठकर वो पुरुषोत्तम की प्रतिमा रखा करते थे। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भी इनको जीता सबने उस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि जिनका इस मंदिर पर नियंत्रण होता था वही वो वहाँ का मतलब वर्चस्वशाली ग्रुप माना जाता था, लोग माने जाते थे। ठीक है, देखो ये जगन्नाथ जी का कभी अकेले नहीं देखोगे आप, हमेशा वो तीन लोगों के साथ होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो ये बाल भद्र हैं, बीच में सुभद्रा हैं और ये हैं जगन्नाथ जी जो सांवले रंग के हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जगन्नाथ जी की जो तिकड़ी बनती है उसमें किनकी किनकी मूर्तियां हैं, तो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। राजपूत शूरवीरता की परंपराएं, ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते थे। ये राजपूताना जो राजपूतों के शौर्यवीरता के लिए काफी प्रचलित है, तो आपकी बुक में इनके बारे में क्या दिया हुआ है, मैंने इसमें ज्यादा नहीं लिखा कि आपके समझने के लिए है ये। तो इनके बारे में क्या लिखा गया है कि ये राजपूत जो युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे, हमेशा हमेशा तब तक लड़ते थे जब तक इनके शरीर में इनके इनके जिस्म में प्राण होते थे। तो ये अपने महल से ही या अपने घर से ही सिर पर साफा बांध के, कफन बांध के निकलते थे। तो ये अपनी इस वीरता के लिए प्रमुख हैं कि युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते थे कि किसी भी तरह शाम दाम दंड भेद लगाकर मैं इस युद्ध को जीतूंगा, नहीं, ये युद्ध लड़ने के लिए जाते थे और यार कहते थे कि या तो जीतेंगे या मरेंगे। अच्छा, खुद भी पीठ नहीं दिखाते थे और अगर कोई पीठ दिखाकर जाता था तो पीठ पर वार भी नहीं करते थे। तो ये राजपूत एक वीर योद्धा के रूप में मशहूर हुए, बल्कि योद्धाओं को ही राजपूत कहा गया। आप पढ़ चुके हैं कि राजपूत का जो शब्द निकला है वो राजा का पुत्र इससे निकला। बाद में सामंतों को भी, जो भी योद्धा वर्ग में आया उनको राजपूत मान लिया गया और ये राजपूत अपनी इसी वीरता के लिए फेमस हुए। तो ये राजपूत सिर्फ पुरुष ही नहीं, इनकी स्त्रियां भी बहुत फेमस हुई। तो आप अभी पद्मावत मूवी आई थी तो संजय लीला भंसाली जी ने एकदम हिट कर दिया इस फिल्म को। तो आपने अभी रानी महारानी पद्मावती के बारे में देखा कि कैसे राणा रतन सिंह की पत्नी जौहर करती हैं। तो ऐसे जौहर के अनेकों उदाहरण राजपूताना में मिलते हैं।
कि जब पुरुष युद्ध में हार जाते थे तो स्त्रियां जौहर कर लेती थी। अच्छा, ये हमेशा ऐसा नहीं होता था कि वो हमेशा हार जाते थे, स्त्रियां हमेशा जौहर कर लेती थी। इन राजपूतों को पराजित करना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। जल्दी, मतलब ये बहुत वीर योद्धा होते थे, इनको हराना इतना आसान नहीं होता था। तो स्त्रियों की बात मैं कर रही थी कि स्त्रियां जौहर भी करती थी, फिर वो पुरुषों के साथ ही अपने जीवन को मानती थी। जब तक पुरुष होते थे तब तक वो जीवित रहती थी, कई बार जब उनके पुरुषों की मृत्यु होती थी तो उनके साथ वो सती हो जाती थी। तो सती प्रथा की शुरुआत भी इसी राजपूताना से होता है। तो इन राजपूतों के शूरवीर की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, गीत हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह, मतलब स्पेशली राजस्थान मध्य प्रदेश में ज़्यादा गाया जाता है, वैसे हिमाचल में भी गाया जाता है। तो जितने भी चारण, भाट इस तरह के लोग हैं, इनके ऊपर गीत गाते हैं। तो आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, आल्हा उदल की सुनी है ना, ये सब के सब जो है वीर योद्धाओं के श्रेणी में आते हैं। एक सेकेंड, ये बढ़ नहीं रहा है। हाँ जी, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए, कहानी के लिए किया जाता है। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। उनको जो कहानी सुनाते थे उनको कथक कहा जाता था। 15वीं 16वीं शताब्दी में इसने नृत्य का रूप ग्रहण कर लिया, जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। तो आप पढ़ चुके हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है और इसका प्रयोग उनके लिए किया गया जो कथा सुनाया करते थे, मंदिरों में घूम घूम कर गाँव में कथा सुनाते थे। तो इस तरह मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की जाति थी ये, और बाद में नृत्य बन गया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, जो राधा कृष्ण के कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, रासलीला, जो कि आज के डेट में ब्रज में ये रासलीला फेमस है। ठीक है, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। आगे चलकर यह दो परंपराओं, दो घरानों, जहां जहां इसे सिखाया जाता था, दो घरानों में फला फूला, राजस्थान घराना और लखनऊ घराना। तो ये कथक नृत्य जो कि मंदिर में कथा सुनाने वालों से निकला, बाद में इसका इस तरह से विकास हुआ और मुगलों ने भी इसको संरक्षण दिया, अभिजातों ने भी दिया, बाद में दो घराने निकले, लखनऊ घराना और राजस्थान घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा, क्योंकि वाजिद अली शाह ने कथक को बहुत संरक्षण दिया और वाजिद अली शाह एक बहुत ही कला प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने ठुमरी को भी जो है बहुत संरक्षण दिया। वो अख्तर पिया के उपनाम से ठुमरी लिखा गया करते थे। ठुमरी आपने सुना होगा, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर इसकी प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। तो शास्त्रीय नृत्य किसे कहेंगे हम, जिस किस कला को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर थोड़ा कठिन होता है, पर हम उस कला को शास्त्रीय मानते हैं क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ठीक है, और यह भी स्मरणीय है कि ऐसे बहुत से ऐसे नृत्य रूप जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वो विशेषताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है कि शास्त्रीय कहाँ किसे जाए। हालांकि शास्त्रीय उसे ही माना जाता है जो एक निर्धारित नियम से चलता है, और इसके बारे में आप अपनी तरफ से बाद में इस पे जो दी गई परिभाषा, आप ये भी समझ सकते हो कि शास्त्रीय नृत्य
निर्धारित नियमों से तो चलते ही हैं, फिर और ये सारे नृत्यों का कोई ना कोई आधार पुराण, मतलब हमारे पुराण उपनिषद वेद ये रहे हैं, यानी हमारे पौराणिक ग्रंथ रहे हैं। तो जो पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जो चले, मतलब जिनकी कहानियाँ जिनमें गाई जाती है, नाची जाती, मतलब नृत्य की जाती है, और जिनका जन्म अक्सर मंदिरों में हुआ, और जो निर्धारित नियमों से चलते हैं, उन्हें ही शास्त्रीय नृत्य कहा गया। और शास्त्रीय नृत्य में अभी अभी जो मुख्य रूप से हैं, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ठीक है, इसमें एक मुझे लग रहा है कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और एक क्षत्रिय नृत्य आ गया है इसमें। कथक तो है ही, कथक भी है इसमें, और एक क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय जीभ में फोड़ा है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्षत्रिय नृत्य ये जो कि असम का है वो भी अभी इसमें आ चुका है। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। तो देखो, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। जल रंग यानी वाटर कलर, ठीक है, वाटर कलर इसे बनाया जाता है। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में इस क्षेत्र में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण, एक भावप्रवण शैली का विकास हुआ। उस शैली को क्या कहा गया? बसोहली शैली। बसोहली शैली, देखो जब मुगलों का पतन हुआ, जब मुगलों का पतन हुआ और जो ये कलाकार थे दरबारी, इनको संरक्षण नहीं मिला, तो ये पहाड़ों की तरफ चले गए। जब पहाड़ों में गए ये, तो वहाँ पर इनको, वहाँ के जो छोटे छोटे राजा नवाब जैसे लोग थे, उन्होंने इन्हें संरक्षण दिया। तो वहाँ पे कुछ शैलियाँ उभरी, तो उसमें एक तो बसोहली शैली है। तो बसोहली शैली एक बहुत भावप्रवण शैली है, और इसने मतलब पुस्तकें बनाई, पुस्तकें बनाई, मतलब जो है एक ग्रंथ, कहानी, मतलब कहानी कहता हुआ चित्रों का एक संग्रह। तो उनका एक जो इनकी सबसे प्रमुख किताब है, भानुदत्त की रसमंजरी, सबसे फेमस, ठीक है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से, जैसा मैंने बताया, दिल्ली विजय हुआ, कलाकार मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, आश्रयदाता, वहां के लोग शौकीन थे, मालूम था कि मुगल दरबार में ये रहा है, इसको बहुत कला का अनुभव है, तो उन्होंने इन्हें संरक्षण दिया। तो वहां पर जो भी, मतलब जो एक शैली का विकास हुआ, एक कांगड़ा शैली भी है उसमें, कांगड़ा शैली, इनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। और इन्होंने, इनकी विशेषता क्या थी, ये ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग करते थे, और इन कोमल रंगों के प्रयोग से ये विषयों का काव्यात्मक वर्णन करते थे, मतलब वर्णन मतलब पेंटिंग करते थे। इस काव्यात्मक निरूपण को, पेंटिंग को कांगड़ा शैली कहा गया, यही कांगड़ा शैली की विशेषता रही, ठीक है। तो बसोहली शैली अभी आपने देखा, वो भी एक मतलब लघु चित्रकला की शैली है, और ये आपने देखा कांगड़ा शैली जो कि एक पहाड़ी शैली है। बसोहली शैली ये भी पहाड़ों में ही, इसका भी विकास हुआ हिमालय की तलहटी में, और कांगड़ा शैली इसका भी पहाड़ों में ही विकास हुआ। तो इन सबों को, इन पहाड़ी शैलियों के क्या थे, प्रकार थे। ये देखो, ये पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा, कांगड़ा शैली में बना हुआ है। इसमें देखो आप, नीले रंगों का, चटक नीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, नीले और पीले रंगों का। बंगाल, बंगाल नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। बंगाली भाषा, बंगाली भाषा जो कि संस्कृत से ही निकली है, संस्कृत से ही निकली हुई भाषा यह मानी जाती है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत क्षेत्रीय बंगाल राज्य का उद्भव हुआ। देखो, बंगाली भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से माना जाता है। कैसे हुआ? तो गुप्तों के टाइम पे गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को यहाँ ले जाके बसाना शुरू किया। तो वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ संस्कृत का जब मिश्रण हुआ, तो वहीं से बंगाली भाषा का जन्म हुआ। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता, तो उसे क्या माना गया? एक मुगल सूबा।
कुछ तो इनका विकास पालों के टाइम पे हुआ, जो पाल हैं, पाल वंश, पढ़ चुके हो आप लोग पाल वंश के बारे में। और सूबा बाद में कब बन गया मुगलों का, 1586 में, जब अकबर ने इसे जीत लिया। उस समय बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो ही रही थी। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। तो पहली श्रेणी में क्या आता है, संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, जिसमें रामायण महाभारत सब का हुआ। तो मंगल काव्य, इसमें मंगल काव्य एक आता है, इनका एक ग्रंथ है। मंगल काव्य का मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य। तो ये स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, जिसमें उनके लिए भक्ति साहित्य, प्रार्थना, आरती, ये सब उसमें कहा गया है। और इसमें गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां भी शामिल हैं इसमें, जो भक्ति साहित्य है, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य बहुत फेमस है। बाद में इनको गौड़ीय जो है वैष्णव आंदोलन, मतलब इनके उसको कहा गया, कृष्ण को वैसे मानते थे। दूसरी श्रेणी में आया नाथ साहित्य। पहली श्रेणी में मंगल काव्य भक्ति साहित्य, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, मैनामती गोपी चंद्र, मैनामती के आपके पुत्र थे गोपी चंद्र, और गोपी चंद्र के मतलब बहादुरी के किस्से, और मैनामती की माता क्या, एक विशाल हृदय की माता, दोनों की कहानियाँ उस वहाँ पर बहुत फेमस हैं। और धर्म ठाकुर की पूजा, वहाँ पे धर्म ठाकुर जो कि उस समय लकड़ी या पत्थर के देवता होते थे, उनकी पूजा इन्होंने शुरू की। बाद में देखा गया कि यही ठाकुर जी हर घर में देखने लग गए। आपने सुना होगा बंगालियों के मुँह से, ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को खाना खिलाना है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। शुरू में साधारण ईंट, मिट्टी और गारे से अनेक मंदिर बने। इसे निम्न वर्ग के लोगों ने बनाया, जैसे कालू, कंसारी, कारीगर, इन लोगों ने बनाया। मिट्टी की दीवारें या ईंट की दीवारें होती थी, फूस की झोपड़ी होती थी। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह थी। इन्हीं को दो चाला, दो छत वाली दो चाला, चौचाला चार छतों वाली होती थी। ये देखो जैसे ये दो चाला है और ये चौचाला है। कैसे दो चाला चौचाला हुआ, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये दो है, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये एक दो तीन चार होगा ये। तो इन्हीं को दो चाला चौचाला कहा गया कि मतलब ये चार छतों वाली होती थी, और चार छतों के ढांचे में त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर ये रखी जाती थी, उन्हीं को दो चाला और चौचाला कहा गया। एक शब्द आता है बृहधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। कौन? बृहधर्म पुराण, ये बंगाल में रचा गया। और यह माना गया, जीववाद क्या है, जीववाद, तो जीववाद में यह माना गया कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीव होता है। प्राकृतिक घटनाओं में भी जीव होता है, जितने पेड़ पौधे यहाँ पर, जीव जंतु, यानी जो भी एक जीवित, जिसमें भी मतलब प्राण है, वो सब के सब क्या हैं, जीवात्मा। उसी पर यह ग्रंथ लिखा गया था, बृहधर्म पुराण। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण में यहाँ पे कुछ ही क्षेत्रों को आपने पढ़ा। जब आप बड़े क्लास का जब पढ़ोगे तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे, पर फिर भी यहाँ से जो आपको याद रखने लायक चीज़ें हैं, कांगड़ा, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली याद रखना, ठीक है। भानुदत्त की रसमंजरी किस शैली में पेंट हुई, चित्रित हुई, ठीक है। फिर उसके बाद दो चाला चौचाला कहाँ से संबंधित है, ये याद रखो। कथक की कथा याद रखना, और इसके साथ आप जगन्नाथ जी का उद्भव याद रखना, किसने बनवाया। तो ये कुछ आज के क्लास का आपके लिए स्मरणीय तथ्य, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।